मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड का है, एक्चुअली शी इज अ वेरी गुड राइटर, ओके okay. और नाम रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी लाइफ में। वो बुक का टाइटल था, एक्चुअल में वो आई नहीं है अभी, उस बुक का टाइटल था इमेजिनेशन। ओके okay. एंड वो एक लव स्टोरी थी, एक लव स्टोरी एक लड़की की जो एक लड़के से मिलती है या अपनी लाइफ में उस लड़के को लेकर के आती है। एक्चुअल में जो राइटर है बुक की, उन्होंने अपनी लाइफ में एग्जैक्ट सेम कैरेक्टर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। जो उन्होंने बुक में लिखा था, जी तो उन्होंने जो वो बुक में लिखा था वो लिखने के लिए लिखा था या खुद की लाइफ के बारे में बताया था या चाह रही थी वो ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने तो एक स्टोरी क्रिएट की थी, इमेजिनेशन करके. ओके इमेजिनेशन, एक स्टोरी क्रिएट की थी कि ये मेरी बुक है और okay. मैं यहाँ पे ये चीजें लिख रही हूँ, दैट्स इट। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो हो जाएगा, और वो एक्चुअल में हो गया उनकी लाइफ में। एंड शी वाज शॉक्ड कि वो पर्सन मेरी लाइफ में कैसे आ सकता है जो मेरा बुक का कैरेक्टर है। ओके okay. तो मतलब मैनिफेस्टेशन जाने अनजाने में काम कर गया. तो जी हम सब लाइफ में ना कुछ अचीव करना चाहते हैं. उन सपनों को, उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हम सबके अपने अपने एक फिक्स पैटर्न्स हैं. लेकिन व्हाट इफ मैं बोलूं कि हमारे ही आसपास एक ऐसी एनर्जी, एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी काम करती है जिसके थ्रू हम लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट टर्म मैनिफेस्टेशन टुडे. इस टर्म के बारे में मैंने भी रिसेंटली पढ़ा. आई नो हमारे काफी सारे व्यूवर्स ऑलरेडी इस टर्म से अवेयर होंगे, बट मैंने जब इस चीज के बारे में स्टडी किया और काफी सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखे, तो आई वॉज सो इंस्पायर्ड कि हाउ इज इट पॉसिबल कि सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक से, एक ऐसी एनर्जी की हेल्प से हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. और इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट अवेलेबल है जो काफी सालों से प्रैक्टिकली इस टर्म के ऊपर काम कर रहे हैं और काफी सारे लोगों को रोज हील अप कर रहे हैं इस मैनिफेस्टेशन के थ्रू. एंड यस, वी हैव द अमेजिंग आंचल मैम टुडे. सो आंचल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शो. थैंक यू शिवम। आपसे जब मैं मिला, कनेक्ट हुआ, मैं सबसे पहले जब मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना तो ये देखा कि ना इंडिया में बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं. बेसिकली बाहर के लोग इसको फॉलो करते हैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. आई नो इंडिया में भी होंगे काफी लोग. पढ़ा, स्टडी किया तो बहुत अपने आप में पूरी स्टडी थी. आप जैसी पर्सनैलिटी आज मेरे साथ है, आप प्लीज बताओ, क्योंकि आप काफी टाइम से इस फील्ड में हो और काफी लोगों पे अप्लाई कर रहे हो और काफी चीजें आपको पता है. ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पूछूंगा, मेरे को क्यूरियोसिटी है, ये है जेन्युइन तरीके से मैनिफेस्टेशन कुछ काम करता है? ये सच में कोई टर्म है या फिर सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को बनाया गया, ये बताइए प्लीज. बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप जैसे इंडिया में बात करो तो भागवत गीता में भी इसका हमें उल्लेख मिलता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कर्म अपने आप करो और आप फल की चिंता मत करो, तो ये भी एक तरीके का मैनिफेस्टेशन ही है कि हम एक्शंस कर रहे हैं बट हम रिजल्ट की टेंशन नहीं ले रहे। ये ओके बहुत बड़ा पार्ट है मैनिफेस्टेशन का। इसी तरीके से जैसे आत्मा पे बात की जाती है भागवत गीता के अंदर, वैसे ही एनर्जीज होती है, एनर्जीज हैं सब चीजें, वो आत्मा की तरह उन्होंने बताया है भागवत गीता में। तो डेफिनेटली वो पूर्वजों से ही चला आ रहा है मैनिफेस्टेशन, और हम शुरुआत से ही मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं हर एक चीज, चाहे छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज, वो सब चीजें हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोन है, मोबाइल फोन है। अब 30 40 साल पहले अगर किसी को बताते कि हाँ ऐसे फोन है जिससे हम दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, वो सोचता कि ये क्या पागलपंती वाली बात है ना। एग्जैक्टली लेकिन एक्चुअल में वो अभी मैनिफेस्ट हुआ है, तो किसी ना किसी का तो आइडिया होगा ना, किसी ना एग्जैक्टली किसी ने सोचा होगा पहले, उस पे काम किया होगा और इसे मैनिफेस्ट किया होगा, राइट? तो यही एक मैनिफेस्टेशन है, नॉर्मल सी चीज है, हम रोज मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो आपने जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन का आपने एग्जाम्पल दिया,
एक आइडिया को सोचना फिर अप्लाई करना, ये मैनिफेस्टेशन का पार्ट है या फिर पूरी मैनिफेस्टेशन आप इसे ही कहते हैं? देखो पूरी मैनिफेस्टेशन इसको नहीं बोला जा सकता, जैसे कि कोई कोई लोग होते हैं जिनका कोई ऐसा गोल है जिसपे वो एक्शन भी ले रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में अचीव हो नहीं पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कार लेनी, बट उसके पास अभी पैसे नहीं है लेकिन वो कार लेना चाहता है, बट तो वो मैनिफेस्ट करना चाहता है इस चीज को। अब वो माइंड में ऐसा अपना क्रिएट करेगा चीजें कि एक्चुअल में उसके पास, इसको एक्ट एज इफ बोलते हैं, एक्चुअल में उसके पास कार है पहले से, वो ऐसे एक्ट करेगा, अपने आपके माइंड में थॉट्स ऐसे क्रिएट करेगा कि एक्चुअल में मेरे पास ये चीज ऑलरेडी अवेलेबल है उस, और उसके पास वो चीज थ्रू फ्रीक्वेंसीज वो आ जाएगी। इस तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो आप जो ये बात कर रहे हो कि वो सोचेगा और हो जाएगा, तो मतलब ये ना बेसिकली जैसे हम बचपन में देखते हैं ना कि जादू हो गया, कि मुझे ये चाहिए और वो आ गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक कार्टून आता था, एक सीरियल आता था, वो जो भी ड्रॉ करता था वो बन जाता था, आ जाता था। तो आपने जैसे बताया कि मैनिफेस्ट हम सब जाने अनजाने में कर रहे हैं, तो बेसिकली ये काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, वो ऑलरेडी मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, या मेरे को अलग से कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे मैनिफेस्टेशन करने के लिए? क्योंकि जब मैंने इस टर्म के बारे में पढ़ा तो अपने आप एक टर्म निकल के आई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये दोनों टर्म्स भी अलग हैं, और अगर अलग हैं तो क्यों अलग है, और सेम है तो दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया गया है बेसिकली, बेसिकली ये बताइए आप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ जिसकी वजह से हम, जैसे होता है ना कि हमने एक चीज बना दिया है कि ये लॉ है और आप इस तरीके से इस पे काम करेंगे। मैनिफेस्टेशन इज द टर्म जिसमें हम, कोई थॉट आता है हमारे अंदर, उस पे हम काम कर रहे हैं और उसको एक्चुअल में मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, वो मैनिफेस्टेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ कि ये यूनिवर्सल लॉ है, काम करता ही करता है, तो ये दोनों बेसिकली एक ही एक टर्म ही है। टर्म है। तो मेरे को अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है, या आप काफी टाइम से इस फील्ड में हैं, ये काम कर रहा है पॉजिटिव? देखो मैनिफेस्ट, फॉर एग्जांपल हम एक कंपटीशन में हैं, मेरे साथ 50 लोग हैं, हम सब कंपीट कर रहे हैं, एवरीवन इज मैनिफेस्टिंग जाने अनजाने में। मेरे सामने 5 लोग हैं, या मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन जीतेगा तो एक ही, तो मैनिफेस्टेशन उधर गलत हो जाता है। तो आप इसको कैसे क्लैरिफाई करोगे कि नहीं, मैनिफेस्टेशन का भी एक लेवल है, आप खाली सोच के अचीव नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस भी होंगे, उसमें एक्शंस भी होंगे, और डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। क्योंकि अगर 50 के 50 लोग मैनिफेस्ट करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि 50 के 50 जीत जाए, तो फिर उस मैनिफेस्टेशन गलत हो जाती है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग मेरे हिसाब से। तो आप जैसी पर्सनैलिटी कैसे इसको डिफाइन करेगी, नहीं इसका भी एक लेवल है, इसके भी एक प्रोटोकॉल्स हैं, और चेंजेस क्या करने पड़ेंगे उसमें? देखिए ये ना एक साइंस ही है, ठीक ओके है। अब लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने बोल दिया आपको, ये आप मैनिफेस्ट कर लो, मैंने आपको टेक्निक बता दी और आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया आपने, ओके बट मैं आपको बताऊं 99% लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते ओके इन एक्चुअल, नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज देखो एक साइंस है, एक लॉ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उस चीज की तब तक कैसे वो अचीव होगा? जब तक आप ये नहीं करोगे कि हाँ ए बी सी डी ही नहीं पढ़ोगे तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो सीखना एक बहुत ज्यादा जरूरी है, पहली चीज जो लोग नहीं करते हैं। सेकेंड चीज बहुत ज्यादा जो जरूरी है, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, क्लाइंट्स के साथ देखा है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, वो ये है कि ना बहुत ज्यादा रिजल्ट अटैच होते हैं। ओके okay. फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर एक स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करना है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, वैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली इंडिया में तो हर दूसरे घर की एक कहानी है। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो राइट कि मेरा ब्रेकअप हो गया ना, ऑल दोस थिंग्स, तो हाँ प्लीज बताओ। ये बहुत कॉमन है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने रिजल्ट से इतना अटैच है। रिजल्ट क्या है उनका? कि वो एक्स वापस आ जाए। वो इस चीज से इतना ज्यादा अटैच है कि मैं तो उसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा, मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी उसके बिना। तो ये एक जो अटैचमेंट है ना, वो दूर करती चली जाती है मैनिफेस्टेशन को और ज्यादा। आपके रिजल्ट से आपको वो पास लाने के बजाय और दूर कर देगी।
ये मैनिफेस्टेशन। जी एक रूल है ये मैनिफेस्टेशन का कि आपको अपने रिजल्ट से अटैच नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको भागवत गीता का बताया कि आप कर्म करो, अपने फल की चिंता मत करो। अब जब फल की चिंता करोगे तो वो जो फल आने वाला है वो और दूर होता चला जाएगा आपसे। जैसे कि हमने महाभारत में देखा है कि दुर्योधन क्या था, वो जीतने पे उनका वो था कि मैं जीतूंगा, इनसे लड़ूंगा तो मैं जीत करके अपना जो भी मुझे राजपाट चाहिए वो मुझे चाहिए। बट वहां पे क्या था, अर्जुन ने कुछ ऐसा नहीं सोचा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं हार भी गया तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल सम हूँ इन दोनों चीजों में। तो ये जो सम भाव होता है कि हाँ मेरे को बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, वो एक रूल है मैनिफेस्टेशन का जो कंप्लीट करता है कि चेक करता है कि हाँ आप बिल्कुल न्यूट्रल रहो चीजों में, आपको कुछ इस पे रिजल्ट पे सोचना नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा अटैच हो गए रिजल्ट से तो वो रिजल्ट दूर चला जाएगा आपसे। तो आचल मैम, ये आपने मैनिफेस्टेशन का बताया। अब फाइनली अगर मेरे को या फिर किसी को मैनिफेस्टेशन करना है, तो ये चीजें काम कैसे करती है? किसी को कोई मैनिफेस्ट करना हो, कुछ मैनिफेस्ट करना हो, तो कैसे मैनिफेस्ट करें कि वो मैनिफेस्टेशन फेलियर में ना जाए, जेन्युइन तरीके से मैं अप्लाई करूं, उसको फॉलो करूं और वो मेरे को अचीव हो, तो आप इसको कैसे बताओगे? देखो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन करने के लिए ना ये समझना जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में होता क्या है और वर्क कैसे करता ओके okay. है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एनर्जीज क्या होती है, मतलब कैसे काम कैसे कर रहा है ये मैनिफेस्टेशन। या बहुत सारे लोग हैं ना अपनी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स है अचीव करना चाहते हैं, तो सिर्फ जो 20% ऑफ द पॉपुलेशन है खाली वही क्यों रिच है और बाकी के सब क्यों एवरेज पे है, वो Exactly. तो सिर्फ माइंड का ही है, थॉट्स ही है सिर्फ। अब बोलते हैं लोग कि हाँ मैं तो बुरा नहीं सोचता, लेकिन एक्चुअल में आप अपने थॉट्स पे अवेयर रहोगे ना तो आपको पता चलेगा आप कितना नेगेटिव सोचते हो अपने अंदर। क्योंकि ओके okay. ऐसा लोग सोचते हैं कि हाँ यार मैं तो कुछ नहीं सोचता, मैं तो सोचता हूँ कि मैं रिच बन जाऊं, मैं तो बहुत पैसे कमा लूं, लेकिन एक्चुअल में जब वो अपने थॉट्स को एनालाइज करेंगे, जब वो ये देखेंगे कि अपने थॉट्स में वो क्या सोच रहे हैं, वो पाएंगे कि हाँ मैं तो बहुत नेगेटिव सोचता हूँ अपने बारे में। तो आप जो ये नेगेटिव सोचना बता रहे हो, ये भी इम्पैक्ट करता है हमारे। ऑब्वियसली आप देखो सारी जो भी चीजें हैं ना नेगेटिव, ये जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप उनसे रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच हो कि नहीं मुझे यही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, मैं तो मर जाऊंगी इस लेवल, तो ये क्या कौन सी एनर्जी है आपकी, आप ये खुद मुझे बताओ ये पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। देखो, अगर मैं लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज चाहिए, मैं उसी के लिए तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक रिजल्ट के आई कैन अंडरस्टैंड कि हम मेरे रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग हर कोई रिजल्ट के बारे में सोचता है कि लाइफ में मेरे को यहां तक पहुंचना है, तो मैं इतनी स्टडी कर रहा हूँ या इतना काम कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, 99% मेरे हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, ये एक डेस्परेट वाली एनर्जी नहीं है कि मैं बहुत डेस्परेट हूं अपने रिजल्ट के लिए कि अगर वो नहीं हुआ तो मैं नहीं हूं, ये क्या एनर्जी है, कह ये तो सकते हैं, नेगेटिव राइट। एनर्जी है राइट। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, चाहे वो थॉट्स की हो चाहे वो अटैचमेंट की हो, अटैचमेंट इज अ नेगेटिव एनर्जी, आप बिल्कुल अटैच हो गए हो किसी चीज से कि अपने आप को ही भूल गए हो, वो एक नेगेटिविटी है। तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी की सारी हमें मैनिफेस्टेशन से दूर करती चली जाती है। ओके अगर आप रिजल्ट से अटैच नहीं होगे आप देखोगे यूं आप मैनिफेस्ट कर लोगे किसी भी चीज, बहुत इजी हो जाएगा। ओके, मतलब इसमें बैरियर्स हैं कि हमें इतना ही मैनिफेस्ट करना है या रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है। तो हाँ जी मतलब आप किसी तरीके को, ऐसा आपके पास कोई एग्जाम्पल या कुछ है? क्योंकि ना अभी भी मेरे को पता है, अगर मैंने स्टडी किया तो ऑल ऑफ दिस सडन इस चीज पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है, सॉरी टू से दैट, बट हाउ इज इट पॉसिबल? मैं बार बार आप जब बता रहे हो तो एक लग रहा है कि हाँ कुछ है, काम करेगा और सब हो जाएगा, बट कैसे पॉसिबल है? ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल आप बता सकते हो? आपके पास तो काफी क्लाइंट्स आते हैं, ऐसा कुछ है जो जिससे मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही अचीव हो? मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड का है, एक्चुअली शी इज अ वेरी गुड राइटर ओके okay. और नाम रिवील नहीं कर पाऊंगी, बट उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी लाइफ में। वो बुक का टाइटल था, एक्चुअल में वो आई नहीं है अभी, उस बुक का टाइटल था इमेजिनेशन। ओके एंड वो एक लव स्टोरी थी
एक लव स्टोरी, एक लड़की की जो एक लड़के से मिलती है या अपनी लाइफ में उस लड़के को लेकर के आती है। एक्चुअल में जो राइटर हैं बुक की, उन्होंने अपनी लाइफ में एग्जैक्ट सेम कैरेक्टर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। जो उन्होंने बुक में लिखा था, जी तो उन्होंने जो वो बुक में लिखा था वो लिखने के लिए लिखा था या खुद की लाइफ के बारे में बताया था या चाह रही थी वो ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने तो एक स्टोरी क्रिएट की थी, इमेजिनेशन करके? ओके इमेजिनेशन, एक स्टोरी क्रिएट की थी कि ये मेरी बुक है और okay. मैं यहाँ पे ये चीजें लिख रही हूँ, दैट्स इट। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो हो जाएगा, और वो एक्चुअल में हो गया उनकी लाइफ में। एंड शी वाज शॉक्ड कि वो पर्सन मेरी लाइफ में कैसे आ सकता है जो मेरा बुक का कैरेक्टर है। तो मतलब मैनिफेस्टेशन जाने अनजाने में काम कर गया। तो जी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल, जैसे आपने बताया कि हर कोई मैनिफेस्ट नहीं कर पाता, तो उन्होंने क्या इतना इन सब चीजों में घुस के इस बारे में सोचा, इसलिए हुआ या रीजन क्या था ऐसा होने का? देखो, जैसे मैंने आपको बोला हर कोई मैनिफेस्ट नहीं कर पाता, तो इसके ना दो चीजें हैं। हम अननोइंगली तो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, बट नोइंगली हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। ओके अगर हम चाहें कि हमें ये एक विश है, हमें ये चाहिए, वो नोइंगली है कि हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाए उसको शायद, लेकिन अननोइंगली हम हर एक मोमेंट ऑफ लाइफ हम मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं। ओके जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसा थॉट प्रोसेस चलेगा, अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप कोई चीज सोच रहे हो, वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है एक्चुअल में। तो अगर उन्होंने कोई चीज मैनिफेस्ट की है अपनी लाइफ में, किसी भी पर्सन ने, तो वो उन्होंने बचपन से लेकर के आखिर तक अपने सारे इवेंट्स जो हैं वो एक्चुअल में उन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट किए हैं, ओके वो सब उन्होंने खुद ही मैनिफेस्ट किए हैं, बट अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, मतलब पता नहीं था लेकिन फिर भी मैनिफेस्ट कर लिया हुआ। तो ये जो मैनिफेस्टेशन पे, चलो हम एक बार को बिलीव करते हैं कि ऐसी कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास काम कर रही है, बट अगर कुछ चीजें हमारे कार्मिक रिलेशंस या फिर ड्यू टू जो ग्रह की प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स में प्रॉब्लम है, क्या हमारे प्लैनेट्स में ऐसी कोई, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखाता है कोई एक्स वाई जी ह्यूमन बींग कि आपके भाग्य में या फिर आपकी चीज में, कुंडली में ये लिखा है कि ये नहीं हो सकता, तो क्या वो भी मैनिफेस्टेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं हम, जो हमारे भाग्य में नहीं है? ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। देखो, ओके एस्ट्रोलॉजी है या फिर कोई भी अकल्ट साइंस है, ये आपकी 99% तक काम करेगी, बट जो एक 1% है, एक स्कोप है कि जो ह्यूमन माइंड है वो सबसे ज्यादा आगे है। मतलब ओके क्योंकि हम वी आर द सोल, हम आत्मा है, और हम उन जो परमात्मा है उनके ही अंश हैं, तो भगवान क्या नहीं कर सकते। तो जो प्लैनेट्स की चाल है वो सब भी तो हिला ही सकते हैं, है ना। हाँ, मतलब मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर है कि चाहे आपके कर्म में या फिर आपके प्लैनेट्स में या ग्रह में अगर कुछ भाग्य में नहीं भी लिखा, वो भी अचीव कर सकते हैं? वो हम अचीव कर सकते हैं, बट एक थोड़ा तो एनर्जी वहां से चाहिए होती है, जो मैं पूरे तरीके से डिनाई नहीं करूंगी कि बिल्कुल ही कोई चीज अगर नहीं फेवर कर रही है तो वो शायद मैनिफेस्ट नहीं हो पाए, बट कहीं ना कहीं तो वो फेवर आना ही चाहिए, प्लैनेट्स का भी और एक आपका, दोनों का मिलकर ही आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो अगर कोई लोग जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर इस बारे में पहली बार सुन रहे हैं, अगर हमारी वीडियो को देखकर पहली बार देख रहे हैं, तो एक्चुअल में ये उन्होंने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया कि मुझे इस बारे में जानना है। काफी लोग हैं, मेरे ख्याल से शायद 60 से 70% लोग होंगे जो जानते ही नहीं होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और कभी जानेंगे भी नहीं अपनी पूरी जिंदगी में। तो वो क्यों है, वो नहीं है, वो अलग एक लाइफ है उनकी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में जिनको जानना है वो 30% है, जो जानना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में था कि मेरी ये विश है, मैं कैसे इसको अचीव करूं, तो वो यहाँ तक पहुंचे। तो मतलब आवा कहने का मतलब है कि जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मैंने कहीं ना कहीं दिमाग में सोचा होगा कि आंचल मैम आएंगे और हम ऐसा वही पॉडकास्ट करेंगे, राइट? आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो सोचा था। अबाउट इंटरव्यू के ऐसा कुछ होगा? ओके और जैसे आपने मैनिफेस्टेशन वर्ड इलैबोरेट किया, कैसे उसको यूज करते हैं इलैबोरेट किया, मैनिफेस्टेशन के भी कई टाइप्स होते हैं या फिर मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक ही सिंपल टेक्निक है ड्यू टू चिटके थ्रू या नॉर्मल एक ही चीज है, या इसके भी अलग अलग तरह की प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हैं? देखो, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसके अंदर
एक चैप्टर तो नहीं होता, एग्जैक्टली बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। जो ऐसे ही मैनिफेस्टेशन के अंदर भी यही है कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स इन द सेंस, एक में हम बताएंगे कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है, या फिर अलग अलग टेक्निक्स हैं जो आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पिलो टेक्निक है हमारी, एफर्मेशन टेक्निक है, 369 मेथड, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, 555 है, 222 है, और काफी सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो जैसे आपने टेक्निक्स का बताया, आई नो काफी बड़ी टर्म और काफी बड़े टाइप्स हैं। मेन मेन हम दो या तीन टाइप्स हम बता सकते हैं जो यूजुअली आप लोगों को प्रेफर करते हो। लाइक पिलो टेक्निक के बारे में मैंने सुना है, बट आप प्लीज इलेबोरेट करोगे कि अगर किसी एक्स वाई जेड ह्यूमन बींग को या मेरे को लाइफ में कुछ अचीव करना है, उसको मैनिफेस्ट करना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच मैं कैसे अप्लाई करूंगा, कैसे पिलो टेक्निक को लूंगा, और बाकी के एक दो मेन मेन टेक्निक्स आप प्लीज बता सकते हो। एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पिलो टेक्निक। पिलो टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले आप एक पेपर लोगे और उसके ऊपर अपनी विश लिख दी आपने। ओके अब विश लिखने में भी ना कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे आपकी विश जो है उसके अंदर कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए, कोई नेगेटिव सेंटेंस में आपको विश नहीं लिखनी है। आपको उस विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि आप ऑलरेडी उस चीज को जी रहे हो, ओके तभी वो आपके माइंड पे जाएगी। क्योंकि अगर आप लिख दोगे कि ये मेरी विश है जो फ्यूचर में है, वो फ्यूचर ही रहेगा, वो प्रेजेंट में आएगा ही नहीं कभी। तो आपको लिखना है प्रेजेंट टेंस में, और नेगेटिव कोई भी वर्ड यूज नहीं करना। अगर आप कोई कोई पर्सन है जो डिजीज कोई है उनको, तो डिजीज का नाम ना लिखते हुए वो ये लिख सकते हैं कि आई एम हेल्दी, ओके परफेक्टली मैनिफेस्टेशन इस पे भी काम कर सकता है। हेल्दी। यस अगर हम किसी डिजीज से या किसी बीमारी से परेशान है, तो हम अगर ये मैनिफेस्ट करेंगे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी काम करेगा इन चीजों में। ऑब्वियसली, जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई एक बीमार है, अब उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दो तो आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता एग्जैक्टली है ना। तो अगर एक माइंड में उसने सोचा, एक मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। दो लोग थे हॉस्पिटल में, दोनों के अलग अलग रूम में बेड्स थे। एक पर्सन का खून निकाला जा रहा था, और उसके माइंड उसको ना बस ये आवाज सुनाई दे रही थी कि टप 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 मेरा खून निकल रहा ओके है। और दूसरे जो दूसरा पर्सन था उसको खून नहीं निकाला जा रहा था, उसको बस आवाज सुनाई दे रही थी टप 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 मेरा खून निकल रहा है। ओके तो अब आप बताओ कौन पहले मरा। नहीं, फिजिकली तो जिसका खून निकालेंगे वही पहले जाना चाहिए। जिसको खून भी नहीं निकल रहा था, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, उसने अपने माइंड में ये चीज क्रिएट किया, मेरा खून निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, और वो ही इज डेड बिफोर द पर्सन जिसका एक्चुअल में खून निकाल रहे थे। ओके मतलब उसने एक तरह से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया मैनिफेस्टेशन के थ्रू। तो आपने जो ये पिलो वाले टेक्निक पे आते हैं, मैं घर गया, मैंने एक स्लिप पे अपना डिजायर या ड्रीम लिखा, देन आफ्टर आपने उसे लिखा। और अच्छा, इसमें ना पेन भी काम करते हैं, जैसे आप किस कलर का पेन कौन सी विश के लिए यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बताती हूँ, ग्रीन कलर का पेन है तो आप फाइनेंस से रिलेटेड, अपना जॉब से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड विश आप लिखो, अच्छा है। पिंक ओके या रेड कलर का पेन यूज कर सकते हो, लव से रिलेटेड या रिलेशनशिप अपने इंप्रूव करने के लिए पिंक या रेड कलर का पेन यूज कर सकते हो। ओके तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं। नॉर्मली अगर आपके पास नहीं है तो ब्लू पेन का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आपने व्हाइट कलर का पेपर लिया, व्हाइट इसलिए क्योंकि इट इज ब्लैंक जहां पे हम लिख रहे ओके हैं, तो व्हाइट कलर का पेपर लिया आपने, उसमें अपनी विश लिखी, उसको चाहे सर्कल में कर दो। सर्कल का मतलब है एक एनर्जी सर्कल, जहां पे उस एनर्जी को हमने होल्ड कर दिया ओके वो उस सर्कल के बाहर नहीं जाएगी, ओके उसके अंदर ही हमने उसको बांध दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप उसको अपने लेफ्ट हैंड में लेंगे, अपना राइट हैंड उसके ऊपर रखेंगे। बिकॉज देखो, ऐसा नहीं कि मेरे पास कुछ स्पेशल है या आपके पास कुछ स्पेशल, वो नहीं है, आपके पास भी वही चीज़ है जो मेरे पास। तो हम जब उसको ऐसे रखेंगे तो हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं उसके अंदर, अपनी एफर्मेशन दे रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये विश मैनिफेस्ट हो गई है, और मैं बहुत थैंक यू कर रही हूँ यूनिवर्स को कि मेरी लाइफ में ये विश आ गई है। और उसके बाद ये हमने एनर्जीज दे दी अपनी कि ओके हाँ, ये मैंने अपनी एनर्जी उसके अंदर दे दी, अपनी फ्रिक्वेंसी ये यहाँ पे दे रही है। उसके बाद उसको फोल्ड करके आराम से आप अपने पिलो के नीचे रख दो। वो जो एनर्जी है सोते वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी, और वो एक्चुअल में भी मैनिफेस्ट होगी। तो मतलब अगर जो ब्लैंक पेपर पे जो चीज लिखी है उसमें भी एक एनर्जी काम करेगी जो हमारी बॉडी तक जाएगी। जी, क्योंकि हम भी एनर्जी हैं, हमारी जो बॉडी है वो भी हमारे पास आत्मा है जो एनर्जी ही है,
और हर एक चीज में, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, हर चीज में एनर्जी है, हर एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। तो हमारी जो विश है वो भी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। जैसे कि आपको रेडियो चलाना, अब आप 89 फ्रीक्वेंसी पे हो तो आवाज नहीं आ रही आपको, बट एक 91 पे या 91.3 पे गए आप तो आप रेडियो सिटी राइट आई थिंक आप सुन सकते हो ना वहां पे। तो एक फ्रीक्वेंसी पे लेकर के आने की जरूरत है बस अपने आप को, और वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। वो फ्रीक्वेंसी पे लाने के लिए ही लोग इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि विश नहीं पूरी हो रही है, तो वो एग्जैक्टली। फ्रीक्वेंसी पे लेके आना है बस, और कुछ नहीं करना। तो फॉर एग्जांपल स्लिप रख दी गई फोल्ड करके, उन स्लिप को रखने का भी एक टाइम है या फिर कोई ऐसा टाइम बाउंडेशन है या फिर ऐसी कोई ड्यूरेशन है कि इस टाइम पे रखनी है या फिर इतने दिनों तक रखनी है, ऐसा कुछ? वैसे बेसिकली बोला जाता है जैसे 21 डेज तक आप कोई चीज करते हो तो वो हमारे हैबिट में आता है, तो कम से कम 21 डेज के लिए आप उसको वहां रखो। और रात के टाइम पे सोने से पहले अगर करोगे तो हमारे थॉट्स थोड़े से निल होते हैं, ड्यूरिंग द डे इतना नहीं होता, तो रात को सोने से पहले आप करो तो ये फ्री माइंड से करो। लेकिन इसमें भी एक मैं बताती हूँ कि अब आप बोलो मेरी विश नहीं अगर पूरी हो तो मैं क्या करूँ, या फिर ये वर्क ही नहीं हाँ, मैं किया। इसी पे आने वाला था कि मैंने कर लिया, क्योंकि व्यूअर्स तो मैं तो आपसे पर्सनली पूछ सकता हूँ कि नहीं हुआ, आई डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। तो अगर मैंने इतना ट्राई किया और काफी उसके बारे में सोचा फिर भी वो वर्क नहीं करता है, तो फिर क्या करना है? देखो इसमें ना एक दो चीजें हैं जो मैं सिंपली यहाँ पे वैसे बताती हूँ, इसमें पूरे कोर्स होते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल पहली चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी, अटैच नहीं होना अपनी विश के साथ। अगर आप अपनी विश से बहुत ज्यादा अटैच हो तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। सेकेंड, क्योंकि एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है, छोटी छोटी विश से स्टार्ट करोगे ना तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर एकदम जंप कर जाओगे ना आप, सेंटेंस पे जंप करोगे तो ABCD नहीं सीखोगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप ए से स्टार्ट करो, बिल्कुल छोटी विश से स्टार्ट करो। मैंने जब मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, तो मैंने एक बहुत इतनी छोटी सी विश से स्टार्ट किया कि मुझे ना एक रेनबो दिख जाए बस। तो और वो काम किया। ये ऑब्वियसली दैट्स अ, और मैंने सोचा नहीं उस बारे में, क्योंकि कुछ इतनी छोटी विषय में क्यों सोचूंगी उस बारे में कि मुझे रेनबो दिखेगा। ठीक है, थोड़ी तो देर ये के जो लिए आपने रेनबो का बताया फॉर एग्जांपल, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, रेनबो दिखा, तो मैनिफेस्टेशन में हम कुछ सोचेंगे वो फिजिकली होगा जो रेनबो का आपने बताया, तो वो रेनबो आपको सपने में दिखा या दिमाग ने ऐसी कोई इमेज बनाई या फिजिकली दिखा? हाँ, ये मुझे फिजिकली दिखा था। और मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम करती है जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैंने पहले आपसे बात किया, फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन हम करेंगे उसके बाद वो चीज़ एक्चुअल में मैनिफेस्ट होगी हमारी लाइफ में। ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है ना हमें उस पर ध्यान नहीं देना, वो अपने आप हो जाएगा। और आप यकीन करो या ना करो, मैनिफेस्टेशन वर्क करती ही करती ओके। है। यस तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने मैनिफेस्ट किया एक जगह पे, आप बोल रहे हो कि उस चीज के बारे में सोचना है, ऑन दी अदर हैंड आप बोल रहे हो कि हमको रिजल्ट्स का वेट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैं लाइफ में कहीं पहुंचना चाहता हूं, तो खाली उसको मैनिफेस्ट करके मैं ड्रॉप कर दूं या उसको बैक टू बैक उसके बारे में सोचना चालू करूं? क्योंकि मैं सोचूंगा तो रिजल्ट भी बीच में आएंगे, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सोचेगी, तो इसको कैसे इलैबोरेट करोगे कि सोचना है या फिर खाली जो भी आपकी विशेज है उसको मांग के उसको ड्रॉप कर देना है? अच्छा, मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, कुछ भी करना है, आपने प्रेयर की या आप गए मंदिर में, आपने अपनी एक बॉक्स के अंदर विश ड्रॉप की, तो आप वहीं पे बैठे रहोगे उसको देखने के लिए या फिर अपना काम करोगे? नहीं, चले जाएंगे। आप घर चले जाओगे ना, तो आप उस पे बैठे नहीं रहोगे वहां पे देखने के लिए कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन में भी आपको यही करना होता है कि आपने उसको सेट किया, सेट इन द सेंस कि उस वक्त किया तो आपने विजुलाइज किया या फिर आपने अफर्मेशन की, जो भी आपकी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो उसमें आप पूरे माइंडफुल रहो कि हाँ मैं यहाँ पे ही हूँ, और कोई नेगेटिव थॉट नहीं आ रहे हैं, दूसरे कोई थॉट नहीं आ रहे हैं, पूरा यहीं पे, पूरा यहीं पे ही मेरा फोकस है। वहां पे आपने सेट कर दिया उस चीज को, देन फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स कि कोई मैनिफेस्टेशन थी या कुछ भी था, विश थी, अपने काम में लग जाए। तो आपने जो ये बताया कि मैनिफेस्ट करना है और फिर उसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखी, उनमें ये बताया गया कि मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सारा दिन उस चीज के बारे में सोचना है, अलॉन्ग विद दैट आपको ब्रह्मचर्य भी फॉलो करना है, किसी प्रोजेक्ट पे या किसी काम पे नहीं जाना है, सारा दिन उसके बारे में सोचना है, कोई
एक्सटर्नल एक्स वाई जी एनर्जी नहीं काम करनी चाहिए साथ में, आपको सिर्फ उसी एनर्जी के साथ काम लेना है, तो हम इस पे कैसे भरोसा करेंगे कि एक तरफ किसी वीडियोस में ये बताया जा रहा है, एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ही है या आप इसको कैसे बताओगे? देखो मैं ऐसे बताऊंगी कि ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप उस चीज के बारे में पूरे दिन सोचते रहोगे जो एक डेस्परेशन स्टेट ऑफ माइंड को बताता है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने जब ये बोला ना कि इसके रिजल्ट का वेट नहीं करना, अगर मैं सारा दिन एक चीज के बारे में सोचूंगा तो ऑब्वियसली मैं रिजल्ट के बारे में सोचूंगा, तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि उससे नेगेटिविटी आएगी अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे, और हमारा ह्यूमन माइंड है कि हम पहले नेगेटिव चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि पॉजिटिव होगा, लेकिन माइंड हमेशा लेकर के जाएगा अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, तो हमें सोचना ही नहीं है रिजल्ट के बारे में, हमने बस उसको सेट किया। और अटैच नहीं होना है विश के साथ, अटैच होना भी एक डेस्परेट स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी नेगेटिविटी लेकर के आता है। अटैच नहीं होना है, इसीलिए मैंने बोला छोटी विश से स्टार्ट करो, ताकि आप उससे अटैच ही नहीं हो रहे हो। अगर आप छोटी विश में भी अटैच हो रहे हो तो पहले छोड़ो, पहले अपने माइंड को क्लियर करो। इसीलिए हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स आती हैं कि आप ब्रीथ पे ध्यान दो या फिर अपनी माइंडफुलनेस पे ध्यान दो, क्योंकि हम अपने रोज डेली के चीजों में ना इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं बट अपनी ब्रीदिंग हमें पता ही नहीं चलता कि हम ब्रीथ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप रुक करके थोड़ी देर, आप 1 घंटे में एक बार ही थोड़ा रुक करके ब्रीदिंग पे ध्यान ले आइए कि हाँ मैं चल रही है, कुछ ना कुछ ब्रीथ चल रही है या क्या हो रहा है, बॉडी में क्या सेंसेशन हो रही है। तो ये ना सब प्रैक्टिस से आता है, ऐसे एक दिन में आप सोचोगे कि अच्छा मैं आज से ही मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऐसे तो हर कोई मैनिफेस्ट कर लेता है ना। तो आप क्या करोगे, पहले प्रैक्टिस करोगे चीजों की, यही वो शायद बात करना चाह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य या फिर जो भी चीजें हैं, तो पहले आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं शायद वो, या फिर हमको उस स्टेट ऑफ माइंड में लेके आना चाह रहे हैं ऑब्वियसली। जहां पे हमको बाहर की एनर्जी डिस्टर्ब ना करे, राइट? राइट 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 और एक क्वेश्चन और है कि आपने मैनिफेस्टेशन बताया, एलैबोरेट किया, एग्जाम्पल बताया और कैसे करते हैं ये बताइए, एक टेक्निक से, पिलो टेक्निक से। अगर लोग अपने बारे में कुछ तो अच्छा सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट करेंगे, क्या मैनिफेस्टेशन किसी सामने वाले के लिए, किसी एक्स वाई जी पर्सन के लिए कोई हार्म करने के लिए भी यूज कर सकता है, नेगेटिविटी के लिए? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा हूँ तो मेरी मैनिफेस्टेशन उस चीज में भी काम करेगी, बिल्कुल करेगी। जैसे कि हम एविल आई देखते हैं ना, राइट? एविल आई या नेगेटिविटी या नजर लगना, एक बहुत कॉमन टर्म्स में ये वही चीज है। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है और इतना बुरा सोच रहा है कि आप बीमार पड़ रहे हैं, तो ये एक मैनिफेस्टेशन ही तरीके का एक एविल आई ही है। मैनिफेस्ट ही किया उसने अपने नेगेटिव थॉट से कि मैं इसके बारे में इतना बुरा सोच लिया कि वहां तक एनर्जी चली गई, उसके ऊपर इम्पैक्ट आ गया इतना ज्यादा। तो एक तरीके से किसी ने हमारे बारे में गलत सोचा, हम उसको बोल देते हैं कि हमें इस चीज की नजर लग गई, राइट? एक तो चीज सामने देखना और एक राइट। मैनिफेस्ट करके सोचना। अभी आपके ऑरा पे भी डिपेंड करता है, अगर जैसे हम लोग यहाँ टैरो रीडिंग अगर हम करते हैं तो अपने ऑरा को लॉक करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम टैरो रीडिंग करते हैं ताकि एनर्जी हमारे ऑरा के अंदर नहीं आए या हमारी लाइफ को खुद डिस्टर्ब ना करे। जैसे आपने डॉक्टर्स का एग्जाम्पल देखा होगा, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनकी लाइफ खुद की लाइफ डिस्टर्ब होती है इतनी ज्यादा, क्योंकि वो पूरे दिन यही सब चीजें सुनते रहते हैं कि कोई किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, माइंड से वो मेंटल पीस नहीं है, तो उनकी खुद की लाइफ, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने ऑरा को लॉक नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो इन सब चीजों में नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है उनकी खुद की लाइफ को। ये मैंने रियल लाइफ में देखा है। तो वो एक्चुअल में इसीलिए है कि आपका ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा आप अपनी रिसेप्टिविटी क्या है आपकी, आप कितना रिसेप्टिव हो चीजों को लेकर के या फिर कितना ज्यादा अंदर ले रहे हो, वो एक उस पर भी डिपेंड करता है नेगेटिविटी। अब जैसे बड़े बड़े संत होते हैं, बट अगर उनके बारे में कोई बहुत नेगेटिव भी सोचेगा बट उनको फर्क नहीं पड़ेगा वहां, क्योंकि उनका ऑरा इतना स्प्रेड हो रखा है, इतना ज्यादा है कि उनको नहीं वहां पे कोई इम्पैक्ट हो रहा। बट कोई एक नॉर्मल पर्सन है वो बीमार भी पड़ जाता है उसमें। तो मतलब आपका कहने का मतलब है अगर आपको लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है तो एक तरीके से आपका ऑरा क्लीन होना चाहिए, आप पॉजिटिव होने चाहिए और उस चीज के टुवर्ड्स आप एक्शन में करो। आई थिंक खाली मैनिफेस्टेशन से भी काम नहीं चलेगा, हमें एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। तो बिल्कुल एक ये वाली टेक्निक्स बताई, आई होप कि आपसे आगे और भी टेक्निक्स में जानूं। और बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का अब मेरे को डाउट क्लियर लग रहा है कि हाँ एक ऐसी एनर्जी काम कर रही है हमारे आसपास और वो सबके लिए अप्लाई होती है, राइट? बिल्कुल चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी अच्छा हो।
मैनिफेस्टेशन से पहले जैसे आपने बोला कि कोई ना कोई टेक्निक है, आप काम कर रहे हो, बट उससे पहले कोई और चीजें भी करनी पड़ेंगी आपको, ऑब्वियसली माइंडफुल होना पड़ेगा चीजों के लिए। इसका मैं एक ऐसे एग्जांपल दूंगी, अगर आप जाना चाहते हो +50 पे और आप -50 पे हो, तो आप 0 तक तो आओगे ना। तो ये एग्जैक्टली हीलिंग का ही प्रोसेस है, उससे पहले हीलिंग होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल कोई अपनी लाइफ में रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, तो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए पहले जो इमोशनल ट्रॉमास हैं, अब वो बिल्कुल नेगेटिव में है, तो पहले उसको 0 पे तो आना पड़ेगा। पहले हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप कभी भी कोई चीज मैनिफेस्ट करोगे तो यूनिवर्स क्या करेगा, पहले आपको हील करेगा। ओके आपको लगेगा कि अरे ये नेगेटिव चीजें क्यों हो रही है मेरे साथ, मैं तो कुछ और मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे साथ क्यों नेगेटिव हो रहा है। अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कोई रिलेशनशिप अपनी लाइफ में, तो मेरे फ्रेंड्स दूर क्यों जा रहे हैं मेरे से। ओके ऐसा भी होता है नेगेटिविटी की वजह से। यस, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको हील किया जा रहा है। पहले टॉक्सिक चीजें आपकी लाइफ से खत्म करेंगे, तभी तो एक स्पेस बनेगा आपको पॉजिटिव चीजें भरने का। आप एक अगर जार हैं तो उसके अंदर से चीजें निकालेंगे, तभी तो आप उसके अंदर पॉजिटिव चीजें भर पाएंगे। तो यही वर्क, ऐसी तरीके से वर्क करता है मैनिफेस्टेशन। अच्छा, और इस प्रोसेस के अंदर आंचल मैम जैसे लोगों की नीड होती है, राइट? जी बिल्कुल, मैं वही सोच रहा था कि अगर मैनिफेस्टेशन हम अपने घर पे बैठ के या कहीं भी कर सकते हैं, तो फिर स्पिरिचुअल हीलर्स की नीड क्यों है? तो आपने जब ये टॉपिक बताया ना कि मैनिफेस्ट करने से पहले आपको पीछे की नेगेटिविटीज हटानी पड़ेगी, बिल्कुल। उसमें आप लोग हील करते हैं, तो आप लोग जब इन चीजों को हील करते हैं तो उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या फिर अब आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स या कोई ऐसी एनर्जीज आपके पास है जिसके थ्रू आप लोगों को हेल्प करते हैं? मैं बोलूंगी सुपर नेचुरल नहीं है, ये नेचुरली ही चीजें हैं जो मुझे आती हैं, आप भी सीख सकते हो, कोई भी सीख सकता है। हम रेकी हीलिंग के थ्रू करते हैं, एंजल थेरेपी के थ्रू करते हैं, और क्रिस्टल्स को हील करते हैं। मेनली मेरा काम क्रिस्टल्स पे रहता है कि क्रिस्टल को हम हील करके अपने एक क्लाइंट को दे, और उनकी लाइफ में वो पर्टिकुलर चीज जो वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या फिर हील करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उस चीज को वो हील कर सके क्रिस्टल्स के थ्रू। तो आई नो क्रिस्टल्स अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, बहुत बात होगी इस बारे में, बट हम अभी नॉर्मली बात करेंगे। एक तो क्रिस्टल्स इज लाइक स्टोन को ही काम करेगा, राइट? तो जब हम जेम स्टोन्स की या क्रिस्टल्स की बात करते हैं, एक तो ये एनर्जीज काम कर रही है, इसके अलावा और कौन सी हीलिंग के तरीके होते हैं जो आप यूज करते हो? और हीलिंग के तरीके होते हैं, जैसे साउंड हीलिंग होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे साउंड को बजाया जाता है और उनको सुनाया जाता है जिनको हील करना है, तो वो साउंड हीलिंग कहलाती है। तो मतलब बेसिकली साउंड भी हमारी बॉडी को हील करने में यूज हो सकती है। जी तो ऐसा उसमें कोई साउंड में कुछ मंत्र होते हैं, कोई मंत्र का यूज होता है, कोई टोन्स होती है, होता क्या है बेसिकली साउंड में? केवल साउंड होती है और कुछ नहीं, केवल एक म्यूजिक है। ओके देखो ये सब हीलिंग हो कैसे रही है, ये सब हीलिंग हो रही है हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू। हम ईयर्स से कर रहे हैं, हम टच के थ्रू हम क्रिस्टल से कर रहे हैं साउंड हीलिंग कर रहे हैं, हम बोलने में मंत्रा से कर रहे हैं हीलिंग, इसी तरीके से हीलिंग होती है। अब अगर हम आईज से करेंगे, देखने से करेंगे, तो हम कर देंगे विजन बोर्ड हो गया हमारा, या फिर कोई एक क्रिस्टल ग्रिड हो गया हमारा, तो ये इस तरीके से हम देख करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब इस तरीके से हमारे 5 सेंसेस से ही काम करते हैं बस। सो आंचल मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मोस्ट वेलकम। सो गाइस, दिस इज द अमेजिंग आंचल मैम। अगर आपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट किया है या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप अपनी हीलिंग करवाना चाहते हो या फिर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आंचल मैम सॉल्व कर सकती है, तो प्लीज आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उनका नंबर प्रोवाइडेड हो जाएगा। जब तक के लिए, इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग। दिस इज शिवम अग्रवाल, थैंक यू।